हाँ जी फ्रेंड, आज बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव। सब्जियां आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने काट ली है। कुकर में तेल डालेंगे, 2 बड़े चम्मच जीरा डालेंगे, राई डालेंगे, चटका लेंगे, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज पत्ता डाल के थोड़ा सा पकाएंगे, हरी मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे, फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर, आलू डाल देंगे, गाजर, नमक डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ी देर चला लेंगे, हल्दी डाल देंगे आधी चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, शिमला मिर्च डाल देंगे, मटर डालेंगे, थोड़ा पनीर भी ऐड किया है मैंने, मिला देंगे अच्छे से, आधा चम्मच के करीब गरम मसाला डालेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने चावल भिगो दिए थे 10 मिनट, मैंने बासमती राइस लिया है 1 कटोरी, मिला देंगे डाल के अच्छे से। ये देखिए चावल भिगोए होते हैं तो बहुत खिले खिले बनते हैं। उसी कटोरी से 1.25 कटोरी पानी डाला है मैंने। ढक्कन लगाएंगे कुकर को और तेज आंच पे पकाएंगे, 2 सीटी में पक जाएंगे चावल। फिर जब कुकर ठंडा हो जाएगा तब हम खोल लेंगे। एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखें आप, टेस्ट बहुत अच्छा आता है पुलाव का और एकदम खिले खिले चावल बनते हैं। कुकर ठंडा हो गया है, खोलेंगे। ये देखिए पुलाव कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, सर्व करेंगे। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बनाएं, खाएं, बनाएं ज़रूर, खिले खिले बने एकदम। दही के साथ खा सकते हो, खाली खा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।